महू के धान नाका में मूर्ति निर्माण जोर शोर से किया जा रहा था। वहीं कलाकार मूर्तियों को मूर्त रूप देने में जुटे थे। धान नाका की मूर्ति कलाकार हेमंत प्रजापति ने बताया कि यहां पर 20% मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं। वहीं अधिकांश मूर्तियां पीओपी की भी बनाई गई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 10 से 12 हजार मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें छोटी बड़ी सभी मूर्तियां हैं और लोग बप्पा को लेकर अपने घर जा रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ पे करीब करीब 5 पीढ़ियों से धंधा होता है और मिट्टी की भी बनाते हैं और पीओपी की भी बनाते हैं, दोनों चीज़ें। और बहुत दूर दूर से आते हैं, बड़वानी हो गया, इधर निमाड़ हो गया, इधर मंदसौर हो गया और इधर धार साइड हो गया, सब जगह मूर्तियां जाती हैं। करीब यहाँ 20 फीट की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। 20 फीट और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, छोटी भी बनाई जाती है। जो छोटे पूजने वाले रहते हैं ना, छोटी छोटी उनको मूर्तियाँ बनाई जाती है, करीब करीब 1 फीट से लेके और छोटे 1 फीट से भी छोटी बनाई जाती है और बड़ी से बड़ी 20 फीट करीब बनाई है। इसके अंदर 20% मिट्टी की भी है, चालू बनना है क्योंकि मतलब मिट्टी अवेलेबल हो नहीं पाती है तो मिट्टी कहाँ से लेके आएंगे। और मतलब ज़माना बहुत आगे जा चुका है, मिट्टी अपन वो चाहे तो उस पोजिशन में आ नहीं पाएगी, तो मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत कम है, मतलब पीओपी की ज़्यादा चलेंगे।